नमस्ते फ्रेंड्स, आर एन टैरो में आपका स्वागत है। जब हम टैरो में क्वींस की बात करते हैं तो वो सबसे पावरफुल एलिमेंट उनको माना जाता है। अगर हम टैरो के अंदर जो है किंग को देखें, उसकी पावर भी कम है एज़ कम्पेयर टू क्वीन, और ये आप कंपैरिजन के तौर पे चेस में भी देख सकते हैं। चेस में क्वीन जो है इज़ मोर पावरफुल देन द किंग, एंड सेम इज़ हेयर विद द टैरो इटसेल्फ, कि क्वीन is more powerful and more graceful actually as compared to the king. That's what is seen mostly. तो आज जिस कार्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इज वन ऑफ द वेरी स्पेशल कार्ड्स ऑफ टैरो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में जाने से पहले उसके कीवर्ड्स देखेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कीवर्ड्स हैं नर्चरिंग, मदर, फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, लव, केयरिंग, पीस, फ्लावरिंग, एबंडेंस। सो पिक्टोरियल में जाएंगे पहले। पिक्टोरियल में हम देखते हैं कि अ फीमेल फिगर इज सिटिंग विद हर पेंटिकल, अपने गोद में लिए हुए एक पेंटिकल को बैठी है, एंड शी इज सिटिंग ऑन हर थ्रोन। थ्रोन के ऊपर जो है कार्व्ड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देयर आर चिल्ड्रंस विच आर कार्व्ड ऑन द थ्रोन। और हम आसपास देखते हैं देयर इज लाइक लॉट ऑफ फ्लावरिंग विच इज हैपनिंग। She is sitting under rose bushes, and आप सब जगह पर देखते हैं कि it's kind of, you know, everything is like blooming, everything is like positive all around, everything is so green. हम पीछे देखते हैं there is a stream which is flowing, there are mountains, there are nature which is specified. Also अगर आप right side में देखेंगे तो there is also a rabbit which is shown. अब इसके गहरे meaning में जाएंगे। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में बहुत ही स्पेशल कार्ड है। इसको आप ऑलमोस्ट कंपेयर कर सकते हैं द कार्ड ऑफ एम्प्रेस से। क्वीन ऑफ पेंटिकल जब भी हम देखते हैं हमें जो फीलिंग आती है वो ये है, इट्स अ फीलिंग ऑफ मदर। जिस तरह से वो अपने पेंटिकल को अपनी गोद में लेके बैठी हुई है, इट्स फील लाइक यू नो लाइक शी कुड बी होल्डिंग हर बेबी, शी कुड बी प्रेगनेंट। ऑल इज शोन इज लाइक शी इज नर्चरिंग। This is what is shown in the picture. She is holding the energy of a suit, the pentacle, and she is transforming it and radiating it to the others, making an example for the other people. Matlab ye, what she is doing is she is generating wealth for herself and for the others. She is taking care of herself and also for the others. Jis tarah se nature dikhaya gaya hai card ke andar, it just shows, you know, that like she is in touch with the natural beauty, with mother nature, and also mother nature ke sath she is also connected to her own self. Agar aap queen ka chehra dekhenge to wo bahut hi calm, peaceful, compassionate aapko chehra dikhega. She is someone, she is going to help you, she is going to take care of you, she is someone, you know, who is very helpful in whatever way if you approach her. You will not go empty handed if you come to this queen. That's what she is capable of. She is the giver, she is almost like mother earth. The queen is an excellent mother, spouse or a friend. She's someone who you would like to be in company with. Jo hum rabbit dekhte hain, that is a symbol of her reproduction and fertility. Card ka meaning jo hai wo apne aap mein bahut simple hai. Card ki energy hum dekhen to isme it's just like the queen is just giving, the queen is just sharing. The queen is also a symbol of abundance, because she is so overflowing, she has so much to give. So whoever is connected to her, that person will also get. Ek bahut acha example hai, jab thoda samjhiye ki jab ek ped ke andar jo hai phal lag jata hai to wo jhuk jata hai, और उसका झुकाव यही बताता है कि उसके पास बहुत कुछ है शेयर करने को। इसलिए आप क्वीन को देखते हैं, क्वीन भी जो है अपने आप में झुकी हुई है। आप इस क्वीन को जो है और क्वीन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। एंड मेरे देखे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, जिसमें एक झुकाव है, जिसमें एक प्रेम है। ऑल्सो हम देखते हैं कि क्वीन जो है
इट्स लाइक शी इज जस्ट सिटिंग इन 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 द मिड्स ऑफ नेचर यू नो दिस इज वॉट शी इज चूजिंग फॉर हरसेल्फ वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हर इज दैट शी वॉन्ट्स टू बी इन द मिडल ऑफ नेचर शी डजंट वॉन्ट टू गो इन टू समथिंग आर्टिफिशियल शी वॉन्ट्स टू गो इन टू समथिंग नेचुरल एंड समथिंग ब्यूटिफुल तो जब भी आपकी रीडिंग में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आता है वो आपको बताता है कि दैट यू आर ब्लेस्ड बाय द मदर नेचर और बाय समवन अ मदरली फिगर हु इज अराउंड यू एंड ऑल यू हैव टू सीक इज जस्ट आस्क हेल्प सो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग विच इज गिवन टू यू एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटिफुल कार्ड कमिंग ऑफ दिस कार्ड मीन्स दैट ऑल योर वर्क विच इज अनडन विल बी डन नाउ that all your unfinished business will be taken care now. The queen is going to take care of it. एक बहुत ही strange बात है कि जब हम negativity के बारे में जब हम बात करना चाहते हैं card की जब card के जो है कुछ ऐसे elements के बारे में हम बात करना चाहते हैं जिसके अंदर जो है कुछ बुरा छुपा हुआ है या फिर कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसके अंदर learning है जिसके अंदर एक ऐसा element है जो कि तंग करता है उसके बारे में लंबा बोला जा सकता है लेकिन अगर कार्ड में सब कुछ अच्छा अच्छा ही है देर इज़ नथिंग मच टू से कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर मूवी के अंदर विलन अगर आप निकाल दो तो मूवी जो है एक अच्छे आदमी की तो बनती ही नहीं है अच्छा आदमी भी इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो बुरा आदमी वहाँ पे उस फिल्म में है कोई ऐसा कोई अपोजिट एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के अंदर कोई नेगेटिव एलिमेंट आता हो शी इज़ अ परफेक्ट मदर एग्जाम्पल तो जब कोई नेगेटिव एलिमेंट होता है किसी कार्ड में वी हैव थिंग्स टू टॉक अबाउट इट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट पीपल विद फ्लॉज द पीपल विद नो फ्लॉज यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड इट विल बी एक्चुअली वेरी बोरिंग इफ यू मेक अ फिल्म अबाउट समवन हु इज जस्ट अ हैप्पी पर्सन अ वेरी सेंटली पर्सन एंड एवरीथिंग गुड 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 हैपन्स यू विल नॉट वॉच दैट मूवी You would want to watch a movie which has the villain in it. Only then you will be able to enjoy it. Because for the simple reason, you will be able to enjoy the movie only because of the negative element inside. Because of that negative element, you will be able to appreciate the positive element. That's how life is. So this was my reading for you for Queen of Pentacles. जाते जाते जो है मैं Marion C. Garrity ने कुछ मदर लव के बारे में कहा हुआ है उसके बारे में मैं जो है एक कुछ लाइंस पढ़ना चाहूँगा वो कहती हैं मदर लव इज़ द फ्यूल दैट इनेबल्स अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू डू द इम्पॉसिबल दिस इज समथिंग विच इज सिग्निफाइंग द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दैट इज़ व्हाट द पावर व्हाट द क्वीन होल्ड्स दैट शी हैज दिस लव एंड शी कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ एनीथिंग एंड इफ यू हैव लव इन योर लाइफ एंड इफ यू हैव समवन हु इज़ अ लविंग फिगर इन योर लाइफ then you don't need anything else because all your needs will be taken care so with this I end the reading of queen of pentacles and I will see you in my next one thank you so much for watching namaste